देख सकते हैं आप। वेलकम बैक टू माई चैनल फूडी अदनान। तो गाइज, दिल्ली का शूट करते करते फूडी होने के नाते मैं एक चीज़ बहुत बड़ी मिस कर रहा था, जमा मस्जिद मैंने शूट करा। बाड़ा हिंदू राव जो था मैं मिस कर रहा था, लेकिन आज हम आए हैं बाड़ा हिंदू राव में। एक नया रेस्टोरेंट खुला है गोल्डन ग्रेवी के नाम से। क्या क्या इसमें मिलता है, सारी चीज़ें क्या क्या देते हैं और कैसे बनती हैं सारी चीज़ें, ऑनर से बात करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए। तो भाई सफदर भाई जो गोल्डन ग्रेवी को ऑन करते हैं हमारे साथ हैं। सफदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं कहूँगा सफदर भाई, गोल्डन ग्रेवी पहली बात तो एक नाम यूनिक है। अभी मैंने देखा फैयाज भाई बना रहे थे, जो कलर है उसका गोल्डन, इतना गोल्डन कलर कैसे आ रहा है भाई? बस हमने जो नाम सोचा था यही सोच के था कि अमूल बटर जो करता है इस ग्रेवी के साथ जो हम बनाते हैं क्रीम और दही की, तो वो ऐसा कलर भी ऐसा आता है जैसे कि गोल्ड पीला हुआ है, तो इसलिए दिमाग में आया था कि गोल्डन ग्रेवी इसको नाम रख दे। तो बिल्कुल ही गोल्डन कलर है, गोल्ड बटर, गोल्ड तो नहीं मिला रहे ग्रेवी में कहीं? अमूल बटर मिलता है इसके अंदर, दही क्रीम और जो अपने मसाले और गोल्डन, इसके अलावा रोस्टेड के अलावा और क्या क्या है आपके पास? हमारे पास फ्राई है, लॉलीपॉप है और कबाब है, ग्रेवी वाले ड्राई और ड्राई रोस्टेड है, और चिकन कोरमा है देसी घी के अंदर, और मेन ये है आपका मलाई टिक्का है तसला। जी जी, इसके क्या रेट है? इसके 150 क्वार्टर है, और मिनिमम भी हमने स्टार्ट किया है वो 100 रुपीज़ का है, और 290 का हाफ है, और 560 का बोला। भाई मैं समझता हूँ जो प्राइस रेंज है इनकी वो भी बहुत मिनिमल है, अगर दिल्ली में और जगह को कंपेयर करें तो। खाते हैं इनका तसला चिकन, फिर आपको टेस्ट बताते हैं, आइए। भाई ये हमारी जो है तसला चिकन की तैयारी शुरू होने लग गई है। फैयाज भाई कैसे बनता है तसला चिकन? ये तसला चिकन सर अमूल मक्खन क्रीम के अंदर बनता है। अच्छा, फर्मा सटर में हमारा, और ये चिकन से कबाब है, ये क्रीम के अंदर बनता है, क्रीम और अमूल मक्खन। तो तसला चिकन जो है पहले बारबेक्यू होगा, फिर उसके बाद क्या क्या डाला जाएगा इसमें? ऊपर से चाट मसाला, दही और क्रीम डलता है इसमें। अच्छा, और अमूल बटर डलता है, फिर तसला चिकन बनेगा। हाँ, फिर तसला चिकन बनता है। तो भाई पहले देख सकते हैं आप, ये बारबेक्यू होगा अच्छी तरह, उसके बाद ये क्रीम बटर सारी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। भाई ये तसला चिकन जो है हमारा करो, अब ये जो है सिक चुका है बढ़िया तरीके से। अब इसमें मसाला डलेगा, ये जो मसाले हैं ना दिल्ली के, ये क्या है फैयाज भाई? ये क्रीम और दही, क्रीम और दही मिक्स है। तसला चिकन तो भाई गोल्डन, तो इसका कलर आ ही गया गोल्डन। असल में चिकन रोस्ट भी इतना सही हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसलिए इसका नाम गोल्डन ग्रेवी है भाई, ग्रेवी वाकई गोल्डन हो गई।
भाई ये हो गए हमारे कबाब, देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हल्के सिके हुए हैं, बिल्कुल बहुत सही सिके हुए हैं कबाब। देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, खा के और पता लगेगा इनको। क्रीम क्रीम, वाओ मैन, सुपर्ब। ये और पीसेज में क्रश कर दिया गया है, थोड़ा सा मसाला और ये अमूल बटर भाई। चीज़ कोई भी लो आप, ग्रेवी गोल्डन मिलेगी, गोल्डन ग्रेवी पे। क्यों फैयाज भाई, क्या खा रहे हैं भाई? हम चिकन टिक्का खा रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है, बहुत मस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। और क्या क्या खा रहे हो? चिकन टिक्का है, छीना फ्राई है, लेग पीस है, सब बढ़िया जी। अल्लाह का शुक्र, बहुत बढ़िया खाना बनाया जी। यहीं आते हैं, ये नए बंदे आए हैं जो लेकर के, हम ही ये कर चला चोटे में जाते खाना खाने, चलो मेरे साथ खाना खा ले। तो मैं तो इनको आप लेकर आए हो जी? इनको लेकर आए, एक भाई आ रहा है और एक भाई आ रहा है, एक भाई आ रहा है, फिर पार्सल करवा रहे हैं, लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, आप पार्सल के बाद इंशाल्लाह अगर सही होगी तो फिर आएगा खाना खाने के लिए, लेने के लिए। भाई जब खाना लग जाए ना उसके बाद रुका नहीं जाता, और सबसे ज़्यादा क्रियोसिटी है मेरे दिमाग में गोल्डन ग्रेवी की। ये जो इनका तसला चिकन है, छोटा था बच्चा चिकन का और उसका ये पीस। ग्रेवी जो है भाई पूरी गोल्डन है, देख सकते हैं आप। एक बाइट और यार, एक बाइट और। जिसे कहते हैं ना परफेक्ट सिका हुआ, वो है भाई बिल्कुल परफेक्ट। और जो इनका मिक्सर है मसाले का, क्रीम का, बटर का, परफेक्ट है भाई, बहुत परफेक्ट। बाड़ा इंदुराव में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मटन चिकन रोस्टेड वगैरह कबाब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन तसला चिकन मिलेगा सिर्फ गोल्डन ग्रेवी पे। अब ये चेक करते हैं भाई कबाब। कबाब भाई मुझे पहले देख के लग रहा था, मैंने फैयाज भाई से पूछा, हाँ ये ना तो ज़्यादा सिके हुए हैं ना ही कम सिके हुए हैं, खा के पता लगेगा थोड़ा इनका। कबाब जो है थोड़ा हल्का सिका हुआ है, बहुत ही हल्का रह गया थोड़ा कबाब सिकने में, थोड़ा और अच्छा सिकता तो और बढ़िया रहता, लेकिन बटर और क्रीम का कम्बिनेशन ऑलवेज विंस भाई। माउथ वाटरिंग कबाब है, बहुत ही बढ़िया। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं गोल्डन ग्रेवी के मेन्यू में, मेरी बात हुई भाई से, तो आप भी आके ट्राई कर सकते हैं तसला चिकन गोल्डन ग्रेवी पे। प्राइजेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारी चीज़ें। तो भाई जिसने भी नहीं खाया तसला चिकन, मिस ना करें, जल्दी से जल्दी गोल्डन ग्रेवी पे आएँ। तो भाई खाना हमने खाया गोल्डन ग्रेवी का, तसला चिकन जो इनका था बहुत अच्छा लगा, तसला चिकन, और उसके बाद कबाब दिए थे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे कबाब थे। मुझे तो खाना पसंद आया। अगर आप तसला चिकन ट्राई करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा बाड़ा हिंदूराव गोल्डन ग्रेवी पे। तो गाइज़ खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद वन एंड ओनली फूडी अदनान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।